तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज ऑनबोर्ड एक सडन ड्रेन था जो कि पहले से बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं किया गया था चीफ ऑफिसर के द्वारा। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं सोया हुआ था, क्योंकि मेरा नाइट शिफ्ट होता है तो मैं डे टाइम सोया हुआ रहता हूँ। तो मुझे एक लाउड अलार्म सुनाई दिया, तो चूंकि मैं नींद में था तो मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि हो क्या रहा है। फिर मुझे कुछ देर बाद पीए सिस्टम पे अनाउंसमेंट होता हुआ सुनाई दिया कि एसओएस गैस रिलीज, प्लीज़ रिपोर्ट टू द मस्टर स्टेशन। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि एसओएस क्या है। तो एसओएस हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि एक पॉइजनस गैस है, और यदि पॉइजनस है तो ऑब्वियसली हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल है। यदि हम लोग इस गैस को इनहेल करते हैं तो पहले तो हम अनकॉन्शियस होंगे, फिर कुछ देर बाद यदि हम लोग कंटिन्यूअस इनहेल करते रहेंगे तो ऑब्वियसली मर जाएंगे। तो ये सुनने के बाद पीए सिस्टम पे तो मुझे पता था कि क्या करना है, क्योंकि आप लोगों को ट्रेनिंग में बताया जाता है कि एसओएस रिलीज का होने के बाद क्या करना है। ये सुनते ही उठाया स्काबा और मैं सीधे पहुंच गया मेस रूम। तो स्काबा क्या होता है मैं आप लोगों को ये बता दूँ। स्काबा का फुल फॉर्म है सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग एपरेटस, जो कि मेनली इन सिचुएशन से एस्केप करने के लिए बनाया जाता है। तो ये मेनली एक सिलेंडर होता है जो कि होस से कनेक्टेड होता है, और वो होस एक मास्क से कनेक्टेड होता है। तो वो मास्क पहन के आपको एस्केप करना होता है। तो मैं वो लेके पहले मेस रूम पहुंचा, उसके आगे क्या हुआ आप लोग आगे की वीडियो में देखो। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो सारे ग्रुप पहुंच चुके हैं स्कावा पहन के। आप सबके पीठ पे देख रहे होगे एक येलो कलर का सिलेंडर है जो कि मास्क से अटैच है, तो यही है स्कावा। उसके बाद वहां पहुंचने के बाद चीफ ने बताया कि ये एक ड्रिल है, तो अभी सिग्नेचर कराया जा रहा है सबसे पेपर पे कि हाँ आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया था ड्रिल। तो ये दो क्रू डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि कैसे यूज़ करते हैं स्काबा को सही टाइम आने पे, क्योंकि जब ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो लोग पैनिक कर जाते हैं और इस वजह से सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो चीफ ऑफिसर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। तो ड्रिल होने के बाद मैंने खाया खाना, उसके बाद मैं चला आया ब्रिज में। तो आज ड्रिल था तो इसी लेट हो चुका था, तो हैंड ओवर देने के लिए कोई नहीं होगा, तो अभी से वॉच चलेगी कंटिन्यू। दोस्तों 6.5 आवर्स का वॉच कंटिन्यू चला, और इस बीच में कुछ भी कुछ खास नहीं था। तो अभी हो चला है खाने का टाइम, तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे मेस रूम। मेस रूम पहुँचने के बाद मैंने देखा सभी बैठ के अपना मील एंजॉय कर रहे थे, और आज खाने में था बिरयानी, दाल, चावल और फिश। दोस्तों खाने के बाद मैं आ चुका हूँ वापस से ब्रिज में, और मैंने आते वक्त टैंक्स की साउंडिंग ले ली थी। अभी इसको नोट डाउन करते हैं साउंडिंग का ग्रुप में। ड्यूटी ओवर होने के बाद मैं आ गया ब्रेकफास्ट करने, तो ये सारी चीज़ें थी ब्रेकफास्ट में, और मेरा ब्रेकफास्ट था कुछ ये। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब मैं जा रहा हूँ सोने, और वेदर भी बहुत ख़राब हो रहा है, वेट स्पीड काफ़ी तेज़ हो रही है, तो आज भी वो बिल्कुल होगा ही नहीं। और अभी सनराइज़ हो रहा है, अब वो दिखाता हूँ, अभी सनराइज हो ही रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने कैबिन, विंड स्पीड बहुत तेज है। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर से नए ब्लॉग में, टिल देन बाय।